नो मनी पहली बार हरिद्वार में आगमन, बाकी बात में, लेकिन माउंटेन्स आपको दिख नहीं रहा होगा वाइड एंगल लेंस से, बस दे लुक ब्यूटीफुल। इधर अभी जाना है पता नहीं। ऑल राइट, ठीक है, पहला बड़ा पड़ाव पार हो चुका है हरिद्वार। यहाँ पे दो चीज़ों की मेरे से सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मकान और रोटी। मकान बस मिल रहा है, रोटी वोटी मिल जाए, कपड़ा अपने पास है ही। बाप रे बाप, अच्छा सीढ़ी नहीं। सबसे ज्यादा सामान है, लेकिन स्टिल आई एम वॉकिंग प्रीटी फास्ट। पहला डेस्टिनेशन है अपना। अब यहाँ से रहने के लिए कोई जगह चाहिए जहाँ पे कुछ रातें मैं बिता सकूँ, तो फर्स्ट डेस्टिनेशन वो भी हरकी पौड़ी फॉर श्योर। सबसे ज्यादा हैपनिंग प्लेस वही है। नहाने के लिए मर रहा हूँ एकदम। कब हो ऐसा, एग्जिट किधर है पता नहीं। अरे हर की पौड़ी तब जाना कहेगा एक। तो ये सब वाले रिजर्व वाले हैं, जैसे देवगढ़ में होता है वैसा ही। मतलब एक आदमी का अगर पैसा लेंगे तो 200-300 लेके पहुंचाएंगे 1 किलोमीटर दूर, विच आई डोंट वांट। मुझे साथ में सब रिजर्व करके नहीं जाना है, एकदम बचत बचत में एकदम बचा के चलना। वैसे स्टेशन यहाँ का अच्छा है, मतलब स्पेस बहुत ज़्यादा है। अभी 4:37 हुए हैं तो गंगा आरती है 1.5 घंटे बाद, जो कि मुझे जाके देखनी है। लेकिन 1.5 घंटे से पहले मुझे जगह ढूंढना है, नहाना है, सब कुछ सामान वामान तो साफ सुथरा, मतलब बहुत कम करना। 1.5 घंटे में अपना सारा काम निपट जाएगा, उसके बाद गंगा आरती है, उसके बाद फूड। पानी ख़त्म कब होगा ये? मैं अपनी बॉटल उधर ही भूल गया। ओह नो, पहले मैं कभी हरिद्वार आया नहीं हूँ तो ये मेरा पहला टाइम है, तो आई डू नॉट हैव एनी आइडिया कि क्या करना है, कैसे करना है, कुछ पता नहीं। और जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वो पहली बार ही जा रहा हूँ। निकलते ही स्टेशन के बाहर, हरिद्वार स्टेशन के बाहर आपको निकलते ही इनके दर्शन होते हैं, और वहाँ पे बाबा एक और हैं, तो सबको यहाँ पे पिक्चर बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं। रश बहुत ज़्यादा है, मैंने किसी तरह मुश्किल से एक दो कुछ कर पाया, शूट कर पाया। हम लोगों को जाना है हर की पौड़ी और वहाँ पे गंगा माँ के दर्शन करना। हर की पौड़ी कितना भैया? हर की पौड़ी के पास में कौन सा बस? हर की पौड़ी के पास जाना है। ओके, हाँ कौन सा? अच्छा हर की पौड़ी कितना? 100 रुपये। अच्छा ना ना ना, 100 रुपया में तो पूरा महीना का खाना। 100 रुपया बहुत ज़्यादा है। कितना लेना भैया हर की पौड़ी तक? 20 रुपया। हाँ ये कुछ अपना बजट टाइप का बात हुआ है आपसे ही। ये होटल सब इतने सारे हैं ना, ढाबे वाबे देख के एकदम, लेकिन नहीं कर सकते, पहले नहाना है उसके बाद कुछ। घर दिख रहा हूँ, बस खाने का चीज दिख रहा है, बस खाना। बाप रे बाप, कितना टाइम लेगा भैया पहुँचने में स्टेशन की बॉडी? हाँ बस जो वहाँ पे है ना, जहाँ से बुक होती है, मतलब फिर से उधर ही आना पड़ेगा ना। पिछले 1 महीने में यहाँ पे इतनी बारिश हुई है कि 10 साल में उतनी बारिश कभी नहीं हुई, लेकिन आज मौसम एकदम अच्छा है, अभी अच्छा ही रहेगा, तो डेट देख के आया हूँ मैं।
मदद कर 20 मीटर है ना, तो उन्होंने पहले ही रोक दिया क्योंकि बोल रहे हैं कि वहाँ बैरिकेड वगैरह है, वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। अभी मुझे होटल का नाम मैंने ढूंढ लिया है, सस्ता या टिकाऊ जगह मैंने ढूंढ लिया है, वहाँ पे जाके सबसे पहले नहाना है। अब वो डिसाइड कर रहे हैं नहाना कहाँ पे, गंगा मैया अगर डुबकी लगा के नहाना है या ऐसे नॉर्मली, और उसके बाद कुछ खाना वाना खाए। हाँ बाप रे बाप, नाइस, रियली नाइस, वाव। धर्मा लॉज ये भैया मिले थे, इन्होंने बताया था कि एक जगह है जहाँ पे रह सकते हैं, नॉन एसी रूम है, मुझे बस एक रात के लिए चाहिए था एक दिन। ये हरिद्वार है, अरे मुझे लगा न्यूयॉर्क है। डुबकी मारना तो बनता है, यहीं पे रहेंगे, यहीं पे रहेंगे, घर वाले अटैच वाले वॉशरूम में नहीं रहे, यहाँ पे नहाना एकदम वर्थ इट है, दर्शन मात्र से ही 150-200 पाप। ये वहाँ का प्रॉपर है, नो मनी। हाँ ये मॉडर्न सेंट है, ये हम देखते होते मनी, आई डोंट हैव एनी मनी। हाँ भैया चल, बस भैया जगह लेके जा रहा है वहाँ। हाँ हाँ हाँ, अरे कैमरा जस्टिस, लेंस बदलना चाहिए था, लेंस बदल के मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आपको पता नहीं चलेगा, ये वाइड एंगल लेंस है ना, इसमें पता नहीं चलेगा। रात को आरती किधर होती है भैया, मतलब बगल में ही ना? अच्छा, पॉपुलेंट। आहा, खाने की चीजें सब जगह, कंट्रोल, बस खाने की जगह है तो इधर। चलो मजाक बात नहीं है, 30-35 घंटा भूखे रहने के बाद इतना भयंकर वेट उठा के, इतना सीढ़ी चढ़ के, भैया लिफ्ट उठ का जुगाड़ है क्या? गए बाप की पूर, लिफ्ट का जुगाड़ नहीं है यहाँ पे, सबसे पहला ड्रॉबैक। लेकिन मुझे नहीं लगता मैं अब डिसाइड भी कर पाऊंगा कि मुझे कौन सा रूम लेना है, मैं सीधा पटका जाऊंगा। ओ माय गॉड, हे भाई, ये व्यू तो सही है, देखता इसमें भी व्यू नहीं है, इसमें व्यू नहीं है ना, अच्छा वो बोले भैया को कॉल वॉल लगाइए ना, लगाइए उनको कॉल लगाइए। भाई देखा कहने को मतलब मिल जाएंगे आपको बहुत सारी जगह यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे जगह होते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं, मिल जाएंगे आपको, लेकिन मेरी जैसे अभी हालत है मुझे नहीं लगता है कि मैं अभी कहीं से यहाँ पे सारा सामान उठ के और कहीं ढूंढने जा सकता हूँ कि मुझे कहाँ रहना है, वो मुझसे होगा नहीं। अब मुझे नहाना जल्द से जल्द, कपड़ा बदलना है, और पता नहीं मैं गंगा जी में जाके भी नहा पाऊँगा कि नहीं, मुश्किल है, मैं नहीं जा सकता हूँ, कोशिश करूँगा, आई एम नॉट श्योर। पहले तो अभी आधा घंटा मुझे रेस्ट करना है, मैं बहुत ज़्यादा आ रहा है, सब थक चुका हूँ, मोलेस सब कुछ हो चुका हूँ इस 22 घंटे की जर्नी में, जो ऑब्वियसली 23 घंटे लग गए। पर थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, डू गो लाइक शेयर सब्सक्राइब सीन दिस वीडियो, तो डू टेक गुड केयर सेल्फ, बाय बाय। अभी बाहर जाके शाम में गंगा आरती वगैरह देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में अभी ताकत बिल्कुल मेरे पास नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जगह ये उतनी अच्छी नहीं है, मुझे एकदम पसंद नहीं आई, लेकिन 300 रुपये मिल रही है, और मतलब कि 300 में और भी अच्छा मिल सकता था, लेकिन मेरे पास ताकत नहीं है, लाइक आई सेड, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।